बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट। आज हम एक्सरसाइज जो है उसको हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसमें आपका एक टॉपिक है सिलेबल का, जिसमें आप लोगों ने कुछ उन्होंने वर्ड्स दिए हैं टेक्स्ट में से, तो उसमें आपने सिलेबल को जो है वो काउंट करना है कि हाउ मैनी सिलेबल इन दिस वर्ल्ड। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा सिलेबल के बारे में जानना होगा कि सिलेबल क्या है और उसको किस तरह से है, कौन सा मेथड है जिससे हम उसको काउंट कर सकते हैं। तो ये छोटी सी चीज़ें हैं दो तीन जिसको आप अंडरस्टैंड करेंगे। तो सबसे पहले आप देखेंगे सिलेबल, व्हाट इज़ मेंट बाय सिलेबल। सिलेबल इज़ अ साउंड ऑफ वावल। क्या है ये? ए ई आई ओ यू, दैट इज़ क्रिएटेड व्हेन प्रोनाउंसिंग द लेटर। कि सिलेबल जो है इसे आप आवाज़ कहेंगे, लेटर्स की जो आवाज़ें आती हैं उसको आप क्या बोलते हो? सिलेबल। साउंड को आप क्या बोलेंगे? सिलेबल। आवाज़ सिलेबल है, और जो सिलेबल है उसके अंदर वॉल का होना लाजमी है, और इसके साथ साथ कॉन्सनेंट भी मोस्टली जो है वो मौजूद होता है, लेकिन वॉल का होना मस्ट है। दैट इज़ क्रिएटेड व्हेन प्रोनाउंसिंग द लेटर ए ई आई ओ यू, द नंबर ऑफ टाइम्स दैट यू हेयर द साउंड ऑफ वॉल इज़ द नंबर ऑफ सिलेबल। तो जब आप किसी लेटर को या वर्ड को प्रोनाउंस करते हो, तो जितनी दफ़ा उसके अंदर वॉल साउंड आएगा वो क्या होगा? आपका सिलेबल होगा। तो आपको ये पता होना चाहिए कि सिलेबल जो है, आवाज़ जो है, वॉल साउंड, उसको हम क्या बोलेंगे? सिलेबल बोलेंगे। और इसको जो है वो जितने टाइम्स आप कोई लेटर प्रोनाउंस करते हो, आपको सबसे पहले इसमें लेटर्स की जो साउंड्स है उसको डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए। आ, ए, ऊ, ई, के इनकी साउंड्स क्या क्या हैं, और उसके बाद आप जो है उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि कितने साउंड्स जो है इसके अंदर लेटर वर्ड के अंदर मौजूद हैं। सेकेंड है जी, हाउ टू काउंट सिलेबल्स, कि हम सिलेबल्स को कैसे काउंट कर सकते हैं। सबसे पहले आपने सिलेबल पढ़ा कि सिलेबल होता क्या है, अब इसको हमने काउंट कैसे करना है। तो क्या होगा? से द वर्ड, हाउ मैनी टाइम्स डू यू हेयर वॉवल। जैसे मैंने पहले बोला कि वर्ड को आप बोलें और उसमें आप देखें कि आपने कितने टाइम्स जो है वॉवल को सुना है। दिस इज़ द नंबर ऑफ सिलेबल। तो क्या होंगे आपके नंबर ऑफ सिलेबल होंगे। एक और इसका जो मेथड है काउंट करने का, वो क्या होगा कि पुट योर हैंड अंडर योर चिन। बहुत मज़े का मेथड है, ये इंटरेस्टिंग मेथड है, एक्सपेरिमेंट आप करें। से द वर्ड, हाउ मैनी टाइम्स डज योर चिन टच योर हैंड। कितनी दफ़ा जो है वो चिन जो है वो आपके हैंड को जो है वो टच करती है। हाउ मैनी टाइम्स डज योर चिन टच योर हैंड, दिस इज़ द नंबर ऑफ सिलेबल। तो ये क्या होंगे? नंबर ऑफ सिलेबल होंगे।